नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लियर एग्जाम पर। आज हम आपके लिए जो हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है 18 सितंबर को, उसकी आंसर की लेकर आए हैं। आशा करती हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आएगी, क्योंकि हम इसमें उन सभी प्रश्नों के आंसर को डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज का पहला प्रश्न है, राहुल ने आनंद से कहा, कल मेरी नानी की बेटी के इकलौते भाई को हराया। तो राहुल ने किसे हराया? तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, मामा को। अगला प्रश्न है, गणगौर डैश देवी के सम्मान में मनाया जाता है, तो गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। हम इस वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। तीसरा प्रश्न है, समरूपता युग्म पूर्ण करें, पक्षी, मछली, हवाई जहाज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पनडुब्बी। अगला प्रश्न है, मैथ से पूछा गया, तो इसका सही जवाब होगा, नल व टंकी चैप्टर से पूछा गया प्रश्न है, 25 घंटे। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, डैश गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है, तो उरुस्वती म्यूजियम क्या है? उरुस्वती संग्रहालय गुरुग्राम में स्थित एक लोक कथा संग्रहालय है। अगला प्रश्न है, वह देश बताने हैं जो आसियान के संस्थापक सदस्यों के रूप में जाने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। अगला प्रश्न है, हरियाणा लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं मनबीर सिंह भड़ाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मैथ से पूछा गया, यदि 1 - i / 1 + i की होल पावर 100 = a + ib हो, तो ab का मान होगा 1 और 0। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न भी मैथ से पूछा गया है, x का मान पूछा गया है, 8 आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, C4 पौधों की मिजोफिल कोशिकाओं में प्राथमिक CO2 ग्राहियों का नाम बताइए, तो फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट उसका नाम है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा प्रजातियों का उद्भव दिया गया, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर से पूछा गया, डैश मेमोरी परिपथ का एक प्रकार है जो बूट लोडर जैसे कंप्यूटर सिस्टम सॉफ्टवेयर को धारण करता है, तो रोम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा, रीड ओनली मेमोरी। एक C++ प्रोग्राम में वर्ग के सदस्य डिफॉल्ट रूप डैश होते हैं, तो निजी होते हैं, प्राइवेट होते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को पहली बार हरियाणा के डैश रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, तो पलवल रेलवे स्टेशन से। अगला प्रश्न है, डैश हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त है न्यायमूर्ति नवल किशोर अग्रवाल। अगला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी होती है? पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम तीनों दूध में पाए जाते हैं, लोहे की कमी होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। सहकारी कृषि डैश में बहुत सफल हुई है, तो डेनमार्क में बहुत सफल हुई है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 1969 के बाद से राष्ट्रीयकृत हुए बैंकों की संख्या कितनी है? 14 है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। मौलिक अधिकारों के संचालन को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ऑप्शन नंबर सी सही है। भारतीय मूल के अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कल्पना चावला इस स्थान पर जन्मी थी, करनाल की थी, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न समांतर श्रेणी चैप्टर से पूछा गया है मैथ का, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1:3। हरियाणा के इस जिले में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो हिसार में सर्वाधिक विधानसभा चुनाव हुए हैं। धर्मनिरपेक्षता की धारणा के साथ आपको निम्नलिखित में से क्या सुसंगत लगता है? तो सभी धर्मों का समर्थन करने वाला समान राज्य, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि एक्स वाई उस सेम रिपीटेड प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उमंग ऐप जारी किया है, यह किसके द्वारा जारी किया गया, किसके लिए है? एकल खिलाड़ी, एकल खिड़की प्लेटफॉर्म के लिए, सभी ई गवर्नमेंट सेवाओं के लिए है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। एक दंत कथा अनुसार इस सरोवर का युद्ध के समय दिनों में अंतिम दिनों में दुर्योधन द्वारा स्वयं को पानी के नीचे छिपाने के लिए प्रयोग उद्धत किए जाने का उल्लेख महाभारत में मिलता है, तो इसका नाम है ब्रह्म सरोवर, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, तो 1, 2, 3, 4, 5 से कितने 2 अंकों की सम संख्याएं बनाई जा सकती है? 10 बनाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, एक ASCII एक करेक्टर कूटकरण योजना है जो व्यक्तिगत कंप्यूटरों द्वारा विभिन्न कैरेक्टरों, संख्याओं और नियंत्रण कुंजियों को दर्शाने के लिए किया जाता है, तो ASCII का मतलब क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज।
अगला प्रश्न है, हरियाणा डैश में 100% ग्रामीण विद्युतीकरण प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य था, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, 1970। अगला प्रश्न साइंस से पूछा गया है, जीई जर्मेनियम नाभिक की त्रिज्या बेरेलियम के त्रिज्या की 2 गुनी मापी गई है, जीई में न्यूक्लियनों की संख्या है तो 72 है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, यदि जेड बराबर 52 और एसीटी बराबर 48 रीजनिंग का प्रश्न है तो बीएटी का मान होगा 46। वह अन्योन्य क्रिया जो दंश स्पर्शक वाले समुद्री फूल और उनके बीच रहने वाली क्लोन मछली के बीच होता है उसे क्या कहते हैं, सहभोजिता का एक उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। बिल्ली से पंजा संबंधित है, उसी प्रकार खुर से संबंधित है घोड़ा। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तर पूर्व भाग में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा एक पाइथन 3.0 में फ्लोर युक्त का विभाजन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न द्विघात समीकरण से पूछा गया है, इसमें 2 मूल समान है तो k का मान पूछा गया तो ±2√6 सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, जब भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बने तब वे डैश चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, तो झज्जर ऑप्शन नंबर डी सही है। अनार्जक संपत्ति NPA नॉन प्रोफेशन असेट जो पिछले कुछ वर्षों से सुर्खियों में है वह किससे जुड़ी है, बीमा कॉरपोरेशन से जुड़ी है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है, इसमें पूछी गई है कि संख्या कितनी है, लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या है 84 और 47, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया है, तो इसमें NCR और NPR की वैल्यू दी गई है, R का मान पूछा है तो 4 होगा। अगला प्रश्न है, एक लक्षण जो बहुत सी जीन द्वारा निर्धारित होता है और पृथक विभिन्नताएं नहीं दर्शाता वो क्या कहलाता है, मात्रात्मक लक्षण। अगला प्रश्न रीजनिंग से पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए OCWMTT। अगला प्रश्न 6 पर्यवेक्षणों का माध्य मैथ से पूछा गया प्रश्न है, नया माध्य पूछा है तो ऑप्शन नंबर डी 24। अगला प्रश्न है, पहला क्लोन डोली डैश में बनी तो किस नाम से किसका क्लोन था, भेड़। अगला प्रश्न है, हवा सिंह ने 1966 और 1970 के लगातार एशियन खेलों में स्वर्ण पदक निम्नलिखित में से किस खेल में जीता, तो मुक्केबाजी में जीता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो दिल्ली का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। अगला प्रश्न है, तांगरी नदी डैश की सहायक नदी है तो मार्कंड की सहायक नदी है तांगरी नदी। एक बार में कई ग्राहियों को भेजा गया एक अनपेक्षित ईमेल संदेश क्या कहलाता है, स्पैम कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो संविधान में अनुसूचियों की संख्या है 12, तो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट होगा जिसमें ऑप्शन 12 दिया गया है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने डैश को साबरमती आश्रम से दांडी की ओर चलना शुरू किया तो 12 मार्च 1930 को। उससे अगला प्रश्न पूछा गया है, बेहतरीन स्वर्ण सोल लाल रंग का होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। पक्षाब में से प्रश्न पूछा गया है तो उपरोक्त सभी इसका सही कथन होगा। रेवाड़ी का यह राजा हरियाणा में 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य नेताओं में से एक था, तो राव तुलाराम, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। POP3 और IMAP मेल अकाउंट है जिनमें किसी को केवल ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए सर्वर से जुड़ना पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। हर्षवर्धन के रचयिता कौन है, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। मानव विकास सूचकांक UNDP द्वारा जारी किया जाता है। हेबर प्रक्रिया द्वारा अमोनिया के संश्लेषण में किसका यूज हम वर्धक के रूप में करते हैं, तो मॉलिब्डेनम का यूज करते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। वर्तमान स्वांग शैली की नींव रखने का श्रेय हरियाणवी परंपरा किसको देती है, किशनलाल भाट को। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया तो इसका सही जवाब होगा -2187। समरूपता पूर्ण करना है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 65। अगला प्रश्न है, इस राजनीतिज्ञ को अविभाजित पंजाब राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है, तो चौधरी तैयब हुसैन। संख्याओं से प्रश्न पूछा गया है तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 21। एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, कम से कम एक बार पश्च भाग प्रकट होने की प्रायिकता है, तो 3/4 3/4।
कौन सा एक मुक्त स्रोत वर्ड प्रोसेसर है? तो वर्ड परफेक्ट ऑफिस ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया है, विभाजित करने पर प्राप्त क्षेत्रफल है, तो ऑप्शन नंबर वन नई रणनीतिक डैश द्वारा सूत्रकर्मी प्रतिरोधी तंबाकू पौधे विकसित किए जाते हैं आरएनए इंटरफेस द्वारा। डैश को 2017 में हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो कृष्णा सोबती। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न मैथ से पूछा गया, इसका सही जवाब होगा 29, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, वह इकलौता व्यक्ति जिसने दो बार भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, तो जी एन नंदा। देशन में देश हरियाणा पुस्तक के लेखक है उदय भानु हंस। क्षेत्रफल के संबंध में भारत का बृहत्तम राज्य है राजस्थान। अगला प्रश्न है, पूरे राष्ट्र में पंचायत राज और नगर पालिकाओं संस्थाओं के संरचनाओं में समानता लाने वाला संशोधन है 73 और 74वां संविधान संशोधन। संस्थाओं के भीतर आंतरिक संप्रेषण लैन के माध्यम से किया जाता है लोकल एरिया नेटवर्क। वह शब्द चुनना है जो अन्य शब्दों से सबसे कम मिलता है ओलिवर ट्विस्ट। गुरु द्वारा धमतान साहिब डैश की स्मृति में बनाया गया था, तो गुरु तेग बहादुर की स्मृति में बनाया गया था। अगला प्रश्न, अवतल दर्पण के सामने रखी एक फोकस से D1 दूरी पर रखी गई है एक वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब D2 दूरी पर बनता है, तो फोकल लेंथ की लंबाई पूछी है, तो ऑप्शन नंबर वन करेक्ट होगा, √D1 × D2। अगला प्रश्न है, किस राज्य का निजी संविधान है? वर्तमान में नहीं है लेकिन पहले था, तो ऑप्शन नंबर ए जम्मू कश्मीर। कौन सा भारत में एक विरासत स्थल नहीं है? तो बेलुरु हेले बीडू स्थल, बाकी सभी विरासत स्थल हैं। अगला प्रश्न है, फरल ग्राम में फाल्गु उत्सव किस पर मनाया जाता है? सोमवती अमावस्या पर। हरियाणा विधानसभा के वर्तमान स्पीकर है कंवर पाल गुज्जर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, कंवर पाल गुज्जर वर्तमान स्पीकर है। डैश बिलियन कैरेक्टर्स को दर्शाता है गीगाबाइट्स। वैसाखी सामान्यतः मनाया जाता है 14 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, 400 लोगों के एक सर्वेक्षण में यह प्रश्न पूछा गया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 250। वह व्यक्ति जिसे सर्व मान्यता से आधुनिक चीन का संस्थापक माना जाता है, तो सन यत सेन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। एशियाई शेर के लिए राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, कंस्ट्रक्टर डैश के लिए प्रयुक्त होते हैं वस्तु आरंभ करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होता है N+1/2। 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किस शहर से किया? हरियाणा के पानीपत शहर से। एक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर रखी हुई एक चुंबकीय सुई को 60 डिग्री घुमाने के लिए W इकाई कार्य करने की आवश्यकता होती है। सुई को इसी स्थिति में बनाए रखने के लिए वांछित आघूर्ण बल है √3W। अगला प्रश्न है, हिंदी के 5 प्रश्न पूछे गए थे, जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ढिंडोरा पीटने का अर्थ है प्रचार करना। हम कलम से लिखते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण कारक। लक्ष्मण से मेघनाद मारा गया, तो कौन सा वाच्य है? भाववाच्य। हम पढ़ते हैं, तो इसका भूतकाल में लिखना था हमने पढ़ा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 1+1=1 एक में कौन सी संधि है? तो वृद्धि संधि है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आगे आने वाली प्रश्न की आंसर की देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।